लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय। अब एक नजर आज के हेडलाइन पर। औरंगाबाद में प्रोन्नत शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य आज जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि कला एवं विज्ञान के पद पर 179 शिक्षकों को पदस्थापित किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी शिक्षक का पदस्थापन नहीं हो पाया है, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो बाधित हो ही रही है, वहीं प्रोन्नत शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि 100 की संख्या में सभी शिक्षक डीईओ कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी पदस्थापना नहीं हो जाती, तब तक उनका यह आमरण अनशन जारी रहेगा। आमरण अनशन प्रोन्नत शिक्षकों के पदस्थापन के लिए कर रहे हैं। जिला शिक्षा प्रोन्नति नियमावली 2011 के आलोक में 29/3/2017 को कला एवं विज्ञान के पद पर 179 शिक्षकों का पदस्थापन किया गया, लेकिन आज तक पदस्थापन उनका नहीं किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो बाधित हो ही रही है, प्रोन्नत शिक्षकों के भी परेशानी और कठिनाई झेलना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर के आमरण अनशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सेवा संपुष्टि का मामला वर्षों से लंबित है। 63 शिक्षकों का सेवा संपुष्टि हो गया है, लेकिन पत्र निर्गत करने में सालों लग जाते हैं। इन तमाम समस्याओं पर, इन तमाम मुद्दों पर हमारा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट सूचना दे करके आज 19/12/2017 से आमरण अनशन 19/12/2017 से आमरण अनशन कर रहा है, और यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक हम प्रोन्नत शिक्षकों का पदस्थापन का पत्र नहीं दे दिया जाता है। औरंगाबाद के दाऊदनगर में भाजयुमो के जिला मंत्री विवेकानंद मिश्र के आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि संपर्क, संवाद व संगठन के माध्यम से युवाओं को भाजपा से जोड़ा जा रहा है। पूरे बिहार में भाजपा युवा मोर्चा 63,372 बूथों पर कमल क्लब के माध्यम से 18 से 25 आयु वर्ग के वैसे 10 युवाओं को संगठन से जोड़ेगा जिनका नाम पहली बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ है, और 26 दिसंबर तक सभी बूथों पर यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार कैसे जीते, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। बिहार के सभी बूथों पर कमल क्लब के माध्यम से 18 से 25 वर्ष के नए युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। आने वाले समय में हम 2019 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 40 के 40 कैसे सीट जीतें, इसके लिए हम नए युवाओं के फौज सभी बूथों पर 10-10 युवाओं को जोड़ेंगे। कमल क्लब के माध्यम से यह अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश का चलेगा। इसके लिए 21 से लेकर 26 तारीख तक हमारे सभी मंडल के और जिला के, प्रदेश के कार्यकर्ता बूथों पर जाने का काम करेंगे। दो कॉलेजों के विवाद में फंसे 121 छात्रों को कॉलेज द्वारा सीएलसी नहीं देने के विरोध में सोमवार को छात्र जदयू ने कॉलेज बंद कर सड़क जाम कर विरोध जताया। पूर्व से तय इस आंदोलन के तहत छात्र जदयू के कार्यकर्ता अनुग्रह नारायण मेमोरियल कॉलेज पहुंचे और कॉलेज के सामने पुरानी जीटी रोड को जाम कर दिया और तत्कालीन प्राचार्य अयोध्या सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की सूचना पर पहुंचे SDPO PN साहू ने छात्रों को समझाया बुझाया और CLC दिलाने का आश्वासन दिलाकर जाम को हटवाया। आक्रोशित छात्रों ने कहा कि तत्कालीन प्राचार्य ने महाविद्यालय के 121 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है।
ये छात्र दो सालों से अधिक से सीएलसी के लिए भटक रहे हैं। कल ही गायब रह रहे हैं, एनी टाइम जब भी आओ तो आ जाओ, कल आओ परसों आओ, करते करते दो साल तीन साल दौड़ते रहे, दौड़ते दौड़ते परेशान हुए, तब मैं ये कदम उठाना पड़ा था। इसमें मजबूरी होकर कोई चारा नहीं मिलता था। ये जहाँ तक लड़ रहे हक के लिए लड़ रहे हैं सर, और कुछ के लिए नहीं लड़ रहे, बस हम लोग को ये चाहिए कागज है, सीएलसी मिल जाए। परेशानी ये है कि लोग चार साल सीएलसी के लिए दौड़ रहे हैं इस कॉलेज में, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। बार बार बुलाने पर डेट पे डेट देते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। डेट पे आ रहे हैं फिर कुछ नहीं हो रहा है। सड़क अभी जाम क्यों है? सड़क जाम भी हुई तो क्या करे, पर मिल ही नहीं रहा है। यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे खाली, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ भी गए तो बोले कि यहाँ कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तो क्या क्या दे। सत्र 2011 से 2014 बैच की 125 लड़का लड़कियों को, अभी 2000 में 14 में पास आउट हो गई थी। सारा कागज हमारे पास है। ये लोग बीए पार्ट वन का एग्जाम यहाँ से दी, पार्ट टू का एग्जाम यहाँ से दी, पार्ट थर्ड का फॉर्म यहाँ से भरी, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल की गलती की वजह से, कॉलेज ने अपने फायदा के लिए इन बच्चियों का एडमिशन भिकेएस कॉलेज रफीगंज में करवाया। उसके बाद इन लोग का जब इन लोग को एडमिट कार्ड मिला, तब इन लोग को पता चला कि इनका एडमिशन कहीं और कराया गया है। तब इन लोगों ने विवाद किया था, उसमें कॉलेज प्रिंसिपल ने किसी ने वो शांत कराया, कहा कि आपको किसी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इन लोग को रिजल्ट तक मिला, लेकिन अभी तक इन बच्चियों का कहीं से किसी नहीं मिल सका है। आज 3 से 4 साल होने जा रहा है, लोग बच्चियों का किसी नहीं मिला, बच्चे बच्चियों का। हम कॉलेज प्रशासन और खासकर कॉलेज के प्रिंसिपल से जानना चाहेंगे कि 4 साल से लड़कियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अब कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल अयोध्या सिंह थे, उनका 4 दिन पहले यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। अब नए प्रिंसिपल यहाँ के बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर अन्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जिला बंदी का काम करते हैं। आने वाले 10 दिन के अंदर अगर इन लोगों को किसी नहीं मिलता है तो पूरी तरह उग्र आंदोलन किया जाएगा छात्र जदयू के द्वारा, और जहां तक बने वहां तक इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक छात्र जदयू छुपने बैठने वाला नहीं है। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप जिला प्रशासन के खिलाफ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए युवा शक्ति प्रदेश महासचिव संजय यादव ने कहा कि मदनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में आम गैर मजरुआ जमीन को जिला प्रशासन के द्वारा गत दिनों अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, जिसमें गरीब असगर अली साई का घर बना हुआ था, जिसको अतिक्रमण मुक्त करने के दौरान तोड़ दिया गया था। घर टूटने के बाद इस ठंड में वे लोग काफी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और खुले आसमान में दिन गुजार रहे हैं, लेकिन उक्त लोगों के पुनर्वास के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो काफी दुखद है। अपनी मांग पत्र में उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए गरीब असगर अली साई के घर के परिवार के लोगों को पुनः बसाया जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। संघर्ष आज यह जो आंदोलन है और जो यह धरना का कार्यक्रम, यह कार्यक्रम असगर अली के मकान को तोड़े जाने के विरोध में, क्योंकि सारे कायदे कानून को ताक पर रख करके असगर अली के मकान को तोड़ दिया गया। आज समस्या ये खड़ी हो गई है कि यह अपनी बहू बेटियों के साथ उसके साथ खुले आकाश में रहने के लिए, और यह परिस्थिति जो पैदा की गई है यह साफ दर्शाता है कि यह अंचल अधिकारी का तानाशाही रवैया। हम चाहेंगे कि इस अंचल अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, इन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए, और जो आवास जिनका तोड़ा गया है असगर अली का, उसके आवास का निर्माण अविलंब सरकारी खर्च पर कराया जाए। हम आज के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्ते।